दोस्तों मस्जिद अक्सा इस्लाम में बहुत ऊंचा मुकाम रखती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब मस्जिद अक्सा 88 सालों के लिए ईसाइयों के कब्जे में चली गई थी। सन 1099 में जब ईसाइयों ने यरूशलेम पर हमला किया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा को भी अपने कब्जे में ले लिया। यह देखकर मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई। उस वक्त ईसाई बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो चुके थे। कोई भी मुस्लिम सल्तनत मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के कब्जे से आजाद नहीं करवा पाई। लेकिन फिर आया एक बहादुर और ताकतवर मुस्लिम सुल्तान, जिसे आज दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सन 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और ईसाइयों के बीच एक